तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा रिलेशन एंड फंक्शन के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इलेवंथ का मैं तुम्हें याद दिला दूं। इलेवंथ में होता था, यदि हमारे पास एक सेट ए बराबर 2, 4, बी बराबर 6, 5, वहां सबसे पहले तुम्हें सिखाया जाता था कार्तीय गुणन, कार्टिजन प्रोडक्ट। कार्टिजन प्रोडक्ट कहता था कि अगर हम ए क्रॉस बी करें तो बेटा 2 को 6 के साथ, 2 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ और 4 को 5 के साथ गुणा नहीं करनी, केवल आपको एक ब्रैकेट में लिख के छोड़ देना है। और ये जो ब्रैकेट है क्या कहलाते थे, कर्मित युग्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर। और बेटा ए क्रॉस बी हमारा एक सेट अगर है तो इसके जो एलिमेंट है वो किस रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। यानी कार्तीय गुणन के जो एलिमेंट आएंगे, अवयव आएंगे, वो किस रूप में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। कार्तीय गुणन का कहीं भी कोई समुच्चय होगा तो उसके जो तत्व हैं वो किस रूप में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। और बेटा ऑर्डर्ड पेयर में पहले जितने भी एलिमेंट है इसको बोलेंगे प्रथम अवयव, इसको बोलेंगे द्वितीय। तो बेटा प्रथम जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे कहां से मिलेंगे आपको, सेट ए से। और लास्ट वाले यानी सेकंड नंबर पे जितने भी अवयव रखे वो सारे कहां से मिलेंगे, बी सेट से। ये बात सबको समझ आ गई होगी कार्तिक गुणन की। अब बेटा बात करते हैं इलेवंथ की ही, रिलेशन की। रिलेशन यानी संबंध। बेटा संबंध की जो परिभाषा होती थी वहां एक सीधी सी परिभाषा भी थी कि संबंध यानी रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी के जो तत्व हैं इनसे बनने वाले जितने भी हमारे पास सेट होंगे वो सब क्या कहलाते हैं, रिलेशन। अब बात निर्भर करती है कि रिलेशन के लिए एक मापदंड भी होगा। जैसे मैंने लिखा आर एक रिलेशन है एक्स वाई, एक्स वाई मीन्स कि इसके जो अवयव हैं वो किस रूप में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 8, एक्स प्लस वाई यानी टोटल, यानी पहले और दूसरे अवयव का जो टोटल है वो 8 हो या 8 से ज्यादा हो, जबकि एक्स बिलोंग्स कहाँ कर रहा, ए में, और वाई बिलोंग कहाँ कर रहा, बी में। तो बेटा देखो 2, 6 आएगा क्या, आएगा। 2, 5 आएगा नहीं, क्योंकि टोटल 8 से कम हो गया, नहीं आया। 4, 6 टोटल 8 से ज्यादा आ गया, 4, 5 4 से ज्यादा टोटल है आ गया। तो यानी ए का बी में जो संबंध है इसको ए आर बी से भी लिखते हैं, और ये तत्व हमारे पास आ गया। तो बेटा संबंध के लिए क्या क्या चीज तुम लोग सीखे, सबसे पहले संबंध जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। दूसरी बात, संबंध के लिए आपको पर्टिकुलर प्रथम और द्वितीय एलिमेंट के बीच का कुछ रिलेशन दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप छांट पाएंगे। तब ऐसा थोड़ा ही कि सबसेट में आप कुछ भी लिख दोगे। रिलेशन के लिए आपको पर्टिकुलर दोनों एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन होगा। जैसे यहाँ कह दिया एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 8, यहाँ लिख सकता था वाई बराबर एक्स प्लस 3 भी हो सकता था, यानी वाई की वैल्यू क्या है, एक्स से 3 ज्यादा हो तो उसमें केवल यही आता 2, 5, क्योंकि यहाँ वाई की वैल्यू क्या, एक्स से 3 ज्यादा है। तो बेटा ये इलेवंथ की बात में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, कई बार ए का रिलेशन ए से भी होता है, तो वहां ए का काम भी ए ही करता है और बी का काम भी ए ही करता है, वो भी ध्यान रहे। तो बेटा अब हम थोड़ा सा ट्वेल्थ की तरफ चलेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन यानी संबंधों के प्रकार। तो सबसे पहला जो संबंध का प्रकार है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है, एक ऐसा संबंध जिसके अंदर कोई अवयव ना हो। यानी इसका मैं एक उदाहरण भी बता सकता हूँ, ऊपर से ही मिला लो आप। यानी हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट, और बेटा एक्स प्लस वाई का जो टोटल है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 20 से। देखो बेटा कोई 20 से ऊपर है टोटल किसी का ना, 6, 2, 8, ये भी 20 से कम है, सारे 20 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R के अंदर आपका जो एलिमेंट है वो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी वो खाली रहेगा 5। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध। मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। सार्वत्रिक संबंध R बराबर A क्रॉस A, अगर किसी रिलेशन के अंदर सारे अवयव यानी A क्रॉस A के सारे अवयव आ जाए तो वो क्या कहलाता है आपका, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल। मैं लिखता हूं आर एक्स वाई सच दैट और एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 7। तो बेटा देखना जरा, ये भी 7 के इक्वल है, ये भी 7 से ज्यादा, ये भी 7 से ज्यादा है। इसका मतलब सारे के सारे आ गए हमारे पास। सारे के सारे आने का मतलब क्या हुआ, 2, 6 भी आ गए हमारे पास, 2, 5 भी आ गए हमारे पास, 4, 6 भी आ गए हमारे पास, और बेटा 4, 5 भी आ गया हमारे पास। यानी सीधी सी बात है,
हमारे पास एक क्रोस भी पूरा का पूरा आ गया तो हमारा क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध। तो मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आ रहा होगा। अब नॉट रिक्त व सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, कभी कभी इनको हम क्या कहते हैं, तुच्छ संबंध। अब बेटा नया टॉपिक शुरू करते हैं, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध देखो इस चैप्टर में बेटा बोलने का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी, डाटा भी तुम्हारा ज्यादा लगेगा, तो इस चीज को ध्यान से सुनो। इसमें बोलने का काम बहुत ज्यादा है। तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा तुल्यता संबंध तीन बातों पर डिपेंड करता है हमारा। पहला, उसके लिए समतुल्य होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा, सिमेट्रिक होना जरूरी है। तीसरा, ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो बेटा यहां मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है, इस बार बी नहीं है, ए ही है दोनों तरफ, तो ऐसी कंडीशन में अगर ए स्मॉल ए कोई अवयव है जो सेट ए में बिलोंग करता है, तो जो हमारा रिलेशन है उसके अंदर ए ए नाम का एक सेट आए, यानी यहाँ अगर वन है तो यहाँ क्या है, वन वन। एग्जाम्पल तौर पर चलो एग्जाम्पल क्या दूं, फिर आता है सममित। सममित के अंदर क्या है बेटा, बेटा सममित के अंदर यदि ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए और बी नाम के दो अवयव हैं जो सेट ए में हैं, तो बेटा ए बी ऑर्डर्ड पेयर ये भी रिलेशन के अंदर होगा, और बी ए भी रिलेशन के अंदर अगर है तो किस कंडीशन को प्रूव करेगा, सममित। सममित आप पहले पढ़ चुके सिमेट्रिक, तो दोनों का ऑर्डर चेंज कर दो। उसके बाद बेटा तीसरा आता है हमारे पास संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा हमारे पास, ट्रांजिटिव में हमारे पास तीन ए बी सी अगर ए के अंदर है, किसी सेट के अंदर है, तब ए बी आर के अंदर होना चाहिए, बी सी आर के अंदर होना चाहिए, तथा सी ए ना होके ए सी। ये ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अगर आर के अंदर होगा तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, संक्रामक ट्रांजिटिव। बेटा अगर किसी रिलेशन ने तीनों कंडीशन आपकी वेरीफाई कर दी तो वो क्या कहलाएगा आपका, यदि आर समतुल्य सममित संक्रामक है तब आर तुल्यता संबंध कहलाता है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो बेटा इन चीज को ध्यान से आप लोग याद करें। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इसने कहा है, पहले का फर्स्ट पार्ट, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 13, 14 में संबंध आर इस प्रकार है। किस प्रकार है कि आर बराबर एक्स वाई, 3x - y बराबर 0। तो पहले बेटा संबंध आर को हम लिख लें, तो संबंध आर को आप रोस्टर फॉर्म में लिख लें, जरा ऊपर तो सेट बिल्डर फॉर्म है, तो एक्स वाई सच देट और वाई बराबर 3x। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधी सी बात है, y बराबर 3x, यानी x की वैल्यू अगर 1 है तो y की कितनी होनी चाहिए, 3। तो देखो जरा यहां से, x की 1 है तो y की 3, x की 2 है तो y की क्या होगी, 6, x की 3 है तो y की क्या होगी, 9, x की 4 है तो बेटा y की कितनी होगी हमारे पास, 12, x की 5 है तो y की 15, 15 हमारे पास नहीं है, तो इसलिए आप इसको यहीं बंद कर दें। रिलेशन आ गया आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा हमें चेक करना है कि ये हमारा संक्रामक समतुल्य जो भी मैंने लिखवाया वो सब कुछ है या नहीं है। बेटा हम तीनों चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था, कोई एक एलिमेंट लो पहले आप जो सेट ए के अंदर हो, चलो मैंने वन ले लिया, यदि वन जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है तो बेटा क्या लिखवाया था आपको, वन वन आर में बिलोंग करना चाहिए। क्या आपको वन वन कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए बेटा दो एलिमेंट ले लो कोई से भी आप, एक ले लो, तीन ले लो, एक और तीन बिलोंग ए में कर रहा है तो तब क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, बेटा एक तीन बिलोंग आर कर रहा है लेकिन 3, 1 डज नॉट बिलोंग आर, देखो 3, 1 तो नहीं कर रहा हमारे पास, तो बेटा सिमेट्रिक का पालन नहीं करता है, देख लो आप लोग। उसके बाद बेटा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ले लो आप कुछ भी, 1, 3, 5 ले लें, बिलोंग्स टू सेट ए, तो बेटा 1, 3 बिलोंग टू आर कर रहा है, उसके बाद 3, 5 बिलोंग टू आर कर रहा है, नहीं कर रहा, उसके बाद बेटा 1, 5 बिलोंग टू आर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या है बेटा ये, इसका पालन भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, हाँ सिमेट्रिक है जबकि ट्रांजिटिव नहीं है।
तो बेटा ऐसे इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा थोड़ा। पहले उदाहरण करें, मैंने लिख दिया होमवर्क, उदाहरण 1, 2, 3, 4, एक्सरसाइज 1.1 के ऑल क्वेश्चन। और बेटा थ्योरी को अच्छे से पढ़े इसके, क्योंकि थ्योरी के बिना समझ नहीं आएगा।